हेलो दोस्तों, मैं हूं विष्णु। वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल रिएक्शन ज़ोन। और दोस्तों कहते तो दोस्तों, जैसा कि हमें पता चला है कि रवि लमिछामे, जो कि नेपाल के बेस्ट रिपोर्टर माने जाते हैं, उन्होंने News24 अपना न्यूज़ चैनल जो है वो छोड़ दिया है। छोड़ने का कारण क्या है, क्यों उन्हें News24 चैनल छोड़ना पड़ा, इतना अच्छा खासा जब चल रहा था, तो ऐसी क्या उन पर आपत्ति आ गई कि उन्होंने न्यूज़ चैनल छोड़ दिया या फिर उनको निकाला गया। इस बात को लेकर के काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं कि ऐसी क्या बात हो गई कि रवि लमिछामे को News24 चैनल छोड़ना पड़ा। हमें YouTube पे एक वीडियो मिला है जिसके के अंदर पूरी की पूरी डिटेल में बताया गया है कि उनको News24 चैनल क्यों छोड़ना पड़ा, ऐसा क्या खुलासा हुआ रवि लमिछामे के लिए कि उनको न्यूज़ चैनल छोड़ना पड़ा। तो चलिए वीडियो में जानेंगे पूरी बातें, उसके बाद वीडियो के एंड में चल के हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे रवि लमिछामे के बारे में और उस टॉपिक के बारे में। ओके दोस्तों, और हाँ, वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे इंस्टा फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ यूट्यूब के ऊपर, जहाँ पे हमें वो वीडियो देखने को मिलेगा कि रवि लमिछामे को News24 चैनल आखिर क्यों छोड़ना पड़ा। ओके, तो जैसा कि हम लोग आ चुके हैं यूट्यूब पे, यहाँ पे हम सर्च करते हैं रवि लमिछामे News24 लाइव। यहाँ पे हमें वो वीडियो मिलेगी जिस जो कि है NI न्यूज़ के यूट्यूब चैनल से। इसमें लिखा भी हुआ है कि रवि का बड़ा खुलासा, जो थंबनेल है और जो लाइन है, जो टाइटल है, रवि का बहुत बड़ा खुलासा, क्यों छोड़ा News24, वाई रवि लमिछामे लीव्स News24 नेपाल न्यूज़, रवि लमिछामे का बहुत बड़ा खुलासा, जैसा कि टाइटल में हमें बताया गया है। तो ऐसा क्या खुलासा है जो कि ऐसा टाइटल उनको लिखना पड़ा, और ऐसा कौन सा खुलासा हुआ है जो कि News24 चैनल उनको छोड़ना पड़ गया। तो चलिए जानेंगे पूरी बात इस वीडियो के अंदर, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं लगा लेता हूँ ईयरफोन, आप लोग भी लगा लीजिए जिससे कि आपको हर एक चीज़ अच्छे से सुनाई देगी। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल भी लेट नहीं कराऊंगा, सीधे चलते हैं वीडियो की तरफ। 1 2 3 4 NI News। नमस्कार, NI News पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवम। नेपाल के News24 के प्रसिद्ध एंकर रवि लमिछामे हैं, उन्होंने News24 को छोड़ दिया है। हालिया मिली रिपोर्ट के अनुसार रवि लमिछामे ने ट्विटर पर एक ट्वीट करके बताया कि वे News24 पर चल रहे टीवी शो सीधाकुरा जनता संघ में अब काम नहीं करेंगे। उन्होंने अपने ट्वीट में News24 का एक बड़ा आभार भी जताया, साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास करने वाले निर्मल राज पोडेल और नीता पोडेल को और सभी News24 की टीम का मैं शुक्रगुजार हूँ। उनकी News24 के इस प्रसिद्ध कार्यक्रम को छोड़ने की बात को लेकर नेपाल में भी काफी ज्यादा हलचल है। साथ ही साथ कई लोग अलग अलग तरीके के कयास लगा रहे हैं कि रवि लमिछामे ने ये शो क्यों छोड़ा, क्योंकि नेपाल में वो इससे काफी ज्यादा प्रसिद्ध हुए थे। कई लोगों का मानना था कि वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करने वाले हैं, या फिर कई लोग कुछ और भी कयास लगा रहे हैं कि वो अपना ही न्यूज चैनल खोलने वाले हैं। हालांकि इस बात पर अभी तक कोई पुष्टि नहीं आई है। आप खुद सुन सकते हैं रवि लमिछामे का ये बयान। राजनीति में लागी जान लायक होगी अथवा कुन चाहिँ पार्टी में जान लायक होगी भन्ने खालका हेडलाइन्सहरु पनि मैले कता कता देखे। मैले यसलाई म स्पष्ट गर्न चाहन्छु, मैले स्पष्ट के भनेको छु भने म मेरै क्षेत्रबाट संसार कर्मको क्षेत्रबाट नै यो मुलुकको योगदान दिन चाहिरहेको छु। अहिले यतिखेर यसैमा अझ बढी सशक्त हुन चाहिरहेको हुँ। सम्भावनाको कुराकानी गर्दाखेरि भनेका केही कुराहरू भनेको त्यो भविष्य कसले देखेको छ र। जैसा कि हम देख सकते हैं, रवि लमिछामे ने कुछ करने की बात कही है और साथ ही वो अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, बट ये बयान उनके News24 से हटने के पहले का है। रवि लमिछामे नेपाल में काफी ज्यादा प्रसिद्ध हैं और उनकी प्रसिद्धता के चलते ही उनका ये ट्विटर पर बयान लोगों को काफी शॉकिंग लगा। रवि ने उसको लेकर कुछ साफ तो नहीं किया, लेकिन सबसे ज्यादा चांसेस यही है कि रवि लमिछामे अपना ही एक न्यूज चैनल खोल सकते हैं, क्योंकि उनकी पकड़ नेपाल की पत्रकारिता पे काफी ज्यादा है, जिसको लेकर वो पत्रकारिता से ही शायद जुड़ने का प्रयास करेंगे और नेपाल के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे। जैसा कि उन्होंने बयान में भी कहा था कि वो नेपाल को एक अच्छी दिशा में ले जाना चाहते हैं, तो उस दिशा में कहीं ना कहीं रवि लमिछामे काम करते दिखाई देंगे। आपको क्या लगता है रवि लमिछामे ने News24 क्यों छोड़ा, कमेंट बॉक्स में लिखें और शेयर करें। रवि लमिछामे नेपाल के काफी होनहार पत्रकार हैं और साथ ही साथ नेपाल में काफी ज्यादा पॉपुलर भी हैं। उन्होंने कई क्वेश्चंस उठाए हैं जो कि ऑर्डिनरी पीपल्स के क्वेश्चन थे, यानी कि आम लोगों के सवाल। उनका जोर लगातार फ्रॉड करप्शन जैसी चीजों पर रहा है, साथ ही उनका एक नेशनलिस्ट पोस्चर हमेशा टीवी पर देखा जाता रहा है।
उनकी स्टोरी लाइंस काफी सिंपलिस्टिक स्टोरी लाइंस हुआ करती हैं, जिनको अब यूजर्स मिस करेंगे क्योंकि न्यूज 24 पर अब रवि लामिछानी अपने शो के साथ नहीं दिखेंगे, जो कि उनका पॉपुलर शो था सीधा कुरा जनता संग, जिसका मतलब था स्ट्रेट टू द पीपल, यानी लोगों की बात। उन्होंने कई नेपाल के अहम मुद्दे अपने जर्नलिस्ट के द्वारा निकाले थे, जिसके लिए उन्हें हमेशा नेपाल की जनता अप्रिशिएट करती रही है। अब आपको बता दें कि रवि लामिछानी का करियर कैसे शुरू हुआ। रवि लामिछानी का जन्म नेपाल में हुआ, उसके बाद अपनी स्कूलिंग भी उन्होंने नेपाल से ही की। ग्रेजुएशन के बाद वे अमेरिका पहुंच गए। कुछ सर्कमस्टेंसेस के चलते उन्होंने अपने हायर एजुकेशन पूरी नहीं की। यूएस के ग्रीन कार्ड पर वो 10 साल के लिए 2007 से 2017 तक यूएस नागरिक रहे। उनके पास अमेरिका का 10 साल का ग्रीन कार्ड वीजा था, जिसके तहत वो 2007 से 2017 तक अमेरिका में रुक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसे किया नहीं। वे अमेरिका में एक फास्ट फूड कंपनी सबवे में एज ए मैनेजर काम कर रहे थे, और साथ ही में उन्होंने अमेरिका में अपने दोस्त के साथ मिलकर एक कंपनी भी फॉर्म की, लेकिन वो सब रवि लामिछानी को भाया नहीं। उसके बाद अपने देश के हितों के लिए काम करने के लिए एक बार फिर नेपाल आए। भाई को विचार उठा इंटरनेशनल फ्रेंचाइज दुबई को छु को $1,00,000 आउने एग्जीक्यूटिव जागिर छोडेको छु, सुविधा सम्पन्न गाडीहरु संसारले लोभ गर्ने अमेरिकी जीवन ग्रीन कार्ड पासपोर्ट यी सबै चीज सामाजिक प्रतिष्ठा चटक्कै छोडेर अब देशमै केही गर्छु भन्ने अठोट लिएर आएको छु। केही वर्ष विदेशमा अल्झिएको हुँ, बाटो भएको छैन, तपाईँ भन्दा कम धुली माटी खेलेको छैन। 2007 से लेकर 2017 तक वो यूएस के नागरिक थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता नेपाल की करवाई, जिसके बाद वो यहाँ आकर रेडियो पर काम किए, जो कि कॉमिक और एज ए प्रेजेंटेटर के रूप में उन्होंने काम किया। उसके बाद वो टीवी जर्नलिस्ट से भी जुड़े, जिसके बाद उन्होंने न्यूज 24 भी ज्वाइन किया, और अब उनके न्यूज 24 को छोड़ने की खबर आई है। रवि ने पूरी न्यूज 24 टीम का काफी ज्यादा आभार प्रकट किया और ट्वीट करके न्यूज 24 से अलविदा लिया, लेकिन इसके पीछे की वजह लोगों के मन में खटक रही है। आपको बता दें कि रवि लामिछानी को नेपाल में प्रसिद्धि तब से मिलना शुरू हुई जब उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया। जी हाँ, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड था सबसे ज्यादा देर तक एयर टाइम यानी कि टीवी पे चलने वाले शो का, जो कि करीबन 62 घंटे का था, जो कि रवि लामिछानी ने न्यूज 24 पर ही किया था, और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया था, जिसके बाद ही उन्हें और ज्यादा प्रसिद्धि मिलना शुरू हुई। आपको बता दें कि इस प्रोग्राम में उन्होंने इंटरव्यू किया था पॉलिटिशियंस का, जर्नलिस्ट का, साथ साथ सेलिब्रिटीज का, और उस इंटरव्यू का टॉपिक था बुद्धा वाज बोर्न इन नेपाल, जिसमें उन्होंने कई व्यूवर्स की कॉलें रिसीव की, और वो शो का एक हिस्सा था, जो शो करीबन 62 घंटे तक चला था, और उसके बाद इस गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को रवि लामिछानी ने अपने नाम किया था। रवि का रिकॉर्ड 2013 में क्रिएट हुआ था, और उसके बाद ही उन्हें प्रसिद्धि मिलना शुरू हुई थी। आपको बता दें कि इससे पहले ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड था यूक्रेन के एक एंकर के पास, जिसका एयर टाइम शो का था 52 आवर्स का, और ये रिकॉर्ड 2011 में बनाया गया था, लेकिन फर्दर उनका रिकॉर्ड अलेक्जेंडर द्वारा तोड़ दिया गया था, जो कि एक फिर से वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट हुआ था 72 आवर एक लंबे शो का, जो कि रोमानिया से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था, जिसके बाद रवि का ये रिकॉर्ड टूट गया था। कहीं ना कहीं रवि ने अपने जर्नलिस्ट के जरिए नेपाल का नाम रोशन किया था, और जब उन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया था, तो वे न्यूज 24 में ही काम कर रहे थे। एवर रिकॉर्डेड इन द हिस्ट्री ऑफ टेलीविजन लाइक अब लगभग हामी अन्तिम लिएर आउन आइरहेका छौं। यसको समयावधि 62 घण्टा भएको हामीले अनुमान गरेका छौं। हामीले नियमित रूपमा आफूले पाएको सुविधाको थियो 5 मिनट प्रति घण्टा, जसलाई जोडिएको थियो, जसको जसलाई सुविधा जसलाई मैले निरन्तरता प्रदान गरेको थिएँ, त्यसमा आराम मैले गरिएको थिइनँ, त्यसको सुविधा मैले प्राप्त गर्दा 62 घण्टाको यो क्लेम गर्न चाहन्छु म। 62 घण्टा हामी रवि लगातार अपनी पत्रकारिता के लिए नेपाल में प्रसिद्ध होते रहे। आपको बताते कि रवि ने टीवी इंडस्ट्री के साथ साथ रेडियो में एज ए प्रेजेंटेटर और एज ए कॉमेडियन भी काम किया है। साथ ही साथ रवि एक लिरिसिस्ट भी रह चुके हैं। साथ ही में हाल ही में उन्होंने सुधीर चौधरी को भी एक्सपोज किया, जो कि इंडियन न्यूज मीडिया जी न्यूज के एडिटर इन चीफ थे। उन्होंने एक कॉल के जरिए सुधीर चौधरी को इन्वाइट किया था, और उसके बाद उस कॉल की रिकॉर्डिंग में कुछ ऐसा हुआ कि वो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो गए। रवि, वन मोर थिंग, कैन यू जस्ट सेंड मी द क्वेश्चंस यू वांट टू आस्क? क्वेश्चन व्हाट्सएप मी। आर यू सीरियस? सो यू आर अ जर्नलिस्ट एंड यू आर आस्किंग अ जर्नलिस्ट टू सेंड अ क्वेश्चन बिफोर हैविंग एन इंटरव्यू? नो,
But then I will be mentally prepared for. तो आपकी क्या इस पर राय कि रवि लामिछानी ने न्यूज 24 को क्यों छोड़ा? अपनी राय इस कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाएं और हमारे साथ शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पूरा वीडियो देखा जिसमें कि सब कुछ बताया गया रवि लामिछानी के बारे में, और एक चीज समझ नहीं आई मुझे कि इसके अंदर जो उस वीडियो का थंबनेल था उसमें बड़ा बड़ा छाप रखा था, बड़ा बड़ा लिखा हुआ था कि रवि का बड़ा खुलासा, रवि ने क्यों छोड़ा न्यूज़ 24। तो बड़ा खुलासा क्या है इसमें, मुझे समझ नहीं आया कि इसमें बड़ा खुलासा क्या है। इसके अंदर रवि की पूरी हिस्ट्री बता दी गई, रवि के कितने इंटरव्यू थे, रवि ने कितनों के इंटरव्यू, रवि की स्टार्टिंग कहाँ से हुई, रवि लामिछानी ने कितने रिकॉर्ड बनाए, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम बनाया, इनकी क्या क्या इनके स्किल्स बताया गया, लिरिसिस्ट हैं ये, एंकर भी हैं, कॉमेडी भी इन्होंने कर रखी है। तो ये बहुत अच्छी बात है, रवि लामिछानी इतनी सारी स्किल्स हैं, इतनी ज़्यादा पॉपुलर नेपाल में। लेकिन मैं इस वीडियो का तर्क नहीं समझ पाया हूँ कि इस वीडियो के अंदर कहीं भी ये पता नहीं चला है कि बड़ा खुलासा आखिर कौन सा था, ऐसा कौन सा बड़ा खुलासा था जो मुझे इसके अंदर दिखा नहीं, जिसके अंदर बताया हुआ है। टाइटल देखिए, रवि का बहुत बड़ा खुलासा क्यों छोड़ा न्यूज़ 24, वही तो जानने के लिए हमने वीडियो देखा, लेकिन वीडियो में हमें वो मिला नहीं। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि ऐसी क्या बात हुई होगी कि न्यूज़ 24 चैनल जो रवि लामिछानी ने छोड़ा है वो क्यों छोड़ा है, क्योंकि रवि लामिछानी को न्यूज़ 24 चैनल से ही पॉपुलैरिटी मिली थी जब उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम कराया था सबसे लंबे शो का, 62 आवर्स का वो शो था जिसके अंदर उन्होंने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ का के कॉल्स रिसीव किए थे, वहाँ पर इंटरव्यू लिए थे, वो भी बुद्धा वॉज बॉर्न इन नेपाल, इस बारे में ये टाइटल था उनका। ये बहुत अच्छी बात है। रवि लामिछानी ने ये भी बताया कि रवि लामिछानी सुधीर चौधरी को एक्सपोज किया, इंटरव्यू वगैरह वो सब ओके है, ठीक है, लेकिन छोड़ा क्यों, क्यों छोड़ा, ऐसा क्या रीज़न है, ऐसी क्या उनको प्रॉब्लम आ गई, ऐसे क्या उन्होंने सोचा कि अब न्यूज़ 24 चैनल को छोड़ा, क्या जो इसका मैनेजर है, जो न्यूज़ 24 के ऑनर है, उनके और रवि लामिछानी के बीच में कुछ बात हुई है, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, या फिर रवि लामिछानी खुद अपना एक न्यूज़ चैनल खोलना चाहते हैं क्योंकि अब वो जान गए कि उनकी पॉपुलैरिटी नेपाल में कितनी है, तो अब क्यों ना वो अपना खुद का न्यूज़ चैनल खोले जिससे कि वो नेपाल को एक दूसरी डायरेक्शन में लेके जा सके। पूरा का पूरा खेल अभी रवि लामिछानी के हाथ में ही है, वही हमको क्लियर करके बता सकते हैं कि आखिर क्यों उन्होंने न्यूज़ 24 चैनल को छोड़ा। ओके, बाकी आप लोगों को अगर इससे रिलेटेड कोई भी न्यूज़ मिलती है, कुछ भी पता चलता है इस वीडियो से रिलेटेड या इस न्यूज़ से रिलेटेड कि रवि लामिछानी ने क्यों छोड़ा होगा न्यूज़ चैनल, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इससे रिलेटेड अगर कोई भी वीडियो है तो उसका लिंक मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए, अपने इंस्टा और फेसबुक पर मुझे उस लिंक को भेज सकते हैं जिससे कि मैं उसके ऊपर भी अपना रिएक्शन वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों, लास्ट में बस इतना कहना चाहता हूं कि आप लोगों को अपना प्यार यूँ ही बरकरार रखिए, मुझे यूँ ही सपोर्ट करते रहिए जिससे कि मैं ऐसी और भी डिसर वीडियोज लेके आऊँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में इस तरह की धमाकेदार परफॉर्मेंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।